एक्स्ट्रा टाइम। अजहर अली कैप्टन हमारे साथ हैं। डिपार्चर है जी कल हमारा इंग्लैंड के लिए। सो अजहर, आप लोगों के क्वेश्चंस, अजहर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी सी ओपनिंग स्टेटमेंट अजहर, अगर आप बता दें कि हाउ यू फील, कैसा कोविड में टाइम गुजरा, उसके बाद इंग्लैंड टूर को आप कैसा देख रहे हैं, आप थोड़ा सा ओपनिंग कर दें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए चलेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि माइक अपने म्यूट कर दें जी। टाइम हमारे पास थोड़ा है बट कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोगों के ले सकें। मैं नाम अनाउंस करता जाऊँगा। अजहर प्लीज अप टू आपके पास माइक, आप प्लीज थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि कोविड में कैसा रहा लड़कों के, आपने अभी यहाँ आए हैं 3-4 दिन से रह रहे हैं, कैसे आपने देखा लड़कों को, फिटनेस कैसी लग रही है आपको और आगे इंग्लैंड टूर में कैसा देख रहे हैं टीम को, प्लीज थैंक यू। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत खुशी की बात है हम सब प्लेयर्स के लिए स्पेशली, और आफ्टर ऑल द वेट फाइनली वी आर ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड, और बहुत सारे इससे टूर से पहले भी चैलेंजेस थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्रिकेट रिज्यूम हो रही है और प्लेयर्स के अंदर एक्साइटमेंट भी है, और जैसे वो हंगरनेस होती है ना कि हंगरी हैं वो खेलने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी इसमें मौजूद हैं, तो वो जो इतने अरसे से बैठे हुए थे और क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, और जो जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं इतना क्रिकेट से, वो हम नहीं खेल पा रहे थे, तो बड़ा मुश्किल था ये टाइम हमारे लिए, और बड़ी खुशी हो रही है, सब प्लेयर्स को एक्साइटेड है इंग्लैंड टूर के लिए। इंग्लैंड टूर हमेशा से चैलेंजिंग ज़रूर रहा है, लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंसेस पास में हैं वो बड़ी इंकरेजिंग है, और कोशिश यही करेंगे जो हम परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड में पहले करते आए हैं उसको दोहराएं भी, और बल्कि उसमें और बेहतरी लेके आएँ। और लास्ट 2016 का टूर हमारा बहुत अच्छा रहा, 2018 का भी टूर अच्छा रहा, चैम्पियंस ट्रॉफी हमने वहाँ पर जीती, इवन वर्ल्ड कप में भी हम सेमीफाइनल में ना पहुंच सके, लेकिन हम स्टिल हमने अच्छी कारकर्दगी का गुजारा किया। तो आई थिंक इंग्लैंड हमारे लिए हमेशा से ऐसी कंट्री रहा है जहाँ पे हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं, और उसको रिपीट करने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि इंग्लैंड का क्राउड जो है वो हमें हमेशा बड़ा सपोर्ट करता है, स्पेशली पाकिस्तानी बहुत आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा वो हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करके उनको जब वो घर बैठ के देख रहे होंगे तमाम, चाहे इंग्लैंड में लोग हों या कहीं पे भी पाकिस्तानी देख रहे हों या पाकिस्तान में देख रहे होंगे इंशाल्लाह, तो उनको जो है वो इस टफ टाइम के अंदर उनको जो है एंटरटेन कर सकें हम, और जो क्रिकेट वो इतना फॉलो करते हैं उसके अंदर बहुत यादगार उनके क्रिकेट मोमेंट्स दें उनको। थैंक यू अजहर जी। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अली हाशमी, सोहेल इमरान, याकूब साहब और रकील साहब जी। अजहर, जो पिचेस होती हैं ये स्ट्रीमिंग होती हैं, तो कैसे आपने क्या टारगेट रखा है कि इसके ऊपर आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाओगे या स्पिनर्स को भी आप बीच में मौका दोगे? देखिए, ऑब्वियसली कंडीशंस सूटेबल होती हैं सीम बॉलिंग के लिए भी, और हमारे पास सीम बॉलर्स ऐसे पेसर्स मौजूद हैं जो बहुत जल्दी से, उन्होंने यंग भी हैं और इंकरेजिंग साइंस भी हैं हमारे लिए, लेकिन उसके अलावा हमें ये ज़रूर देखना है कि उस वक्त जब हम जाएंगे उसका, इंग्लैंड का मौसम काफ़ी चेंज होता रहता है, इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है वहाँ पे, काफ़ी समर अच्छा आया हुआ है इस वक्त, लेकिन इंग्लैंड का समर किस टाइम पे आता है ये नहीं पता लगता, समटाइम जून में आता है, समटाइम जुलाई में आता है, तो होपफुली जब हम जाएंगे तो मौसम अच्छा ही होगा। वो कंडीशंस हम देखेंगे कि किस चीज़ के लिए सूटेबल हैं उस वक्त, और उसी हिसाब से हम अपना गेम प्लान लेके आएंगे। हमारे पास इसीलिए हमने, अगर आप टीम सिलेक्शन में देखा जाए तो इसीलिए हमने डिफरेंट ऑप्शंस रखी हैं, और ताकि हम डिफरेंट कम्बिनेशंस जिस तरीके से कंडीशंस होंगी उस तरह खिला सकें। तो ज़रूर आपकी बात ठीक है कि वहाँ पे समटाइम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस होती है जो सीम बॉलिंग को फेवर करती हैं, तो हमारे पास वो भी इंशाल्लाह ऑप्शंस मौजूद होंगे। जी रजा, आपको थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं अपना क्वेश्चन स्किप करता हूं और नेक्स्ट किसी को ले लें आप। नहीं है, आप क्वेश्चन करें जो अभी मैंने नाम लिया, आप लोग प्लीज क्वेश्चन। कोई मसला नहीं, मैं स्किप कर रहा हूं। जी याकूब साहब और अकील साहब। जी याकूब साहब, आपके माइक म्यूट है याकूब साहब। जी सर, आप किस लड़के को ज्यादा मिस करेंगे? ये आपकी जो टेस्ट टीम में लड़के जो मिसिंग है वो एक तो शादाब है और रिजवान रिजवान भी आपका टॉप प्रायोरिटी थी एज ए विकेट कीपर, तो इनको कैसे मिस करेंगे आप? चांस है कि दोबारा ज्वाइन करने का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन करने का इनका चांस है और होपफुली इंशाल्लाह, दोनों से बात हुई थी, दोनों एसिम्प्टोमेटिक हैं और इंशाल्लाह वो पूरी उम्मीद है डॉक्टर्स को भी और मेडिकल स्टाफ को भी और हमें कि बहुत जल्दी रिकवर करेंगे इंशाल्लाह वो, और हमें ज्वाइन करेंगे वहाँ पे। वो दोनों इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, तो इंशाल्लाह अगर बहुत उम्मीद है कि वो बहुत जल्द टीम को ज्वाइन करेंगे। जी अकील भाई। माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट। अकील भाई आपका, अकील भाई आपका माइक म्यूट है। अब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी। अच्छा जी, अपना अजहर खान असल में कोविड-19 के बाद जिस तरह क्रिकेट वापस आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि एक तो कितनी मुश्किल होगी बगैर ऑडियंस के, और खास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज थी वो ड्रॉ की थी, और अब क्या इस सिचुएशन में कोई मौका है कि पाकिस्तान का ये स्क्वाड जो है वो नहीं कोई तारीख रकम करे और इंग्लैंड को इस कोविड-19 में शिकस्त देकर कौम को भी खुशियां दे? नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश पूरी होगी कि इस टफ टाइम के अंदर सबसे पहले तो हम अच्छी क्रिकेट खेल के पूरी दुनिया में जो लोग क्रिकेट देखना चाह रहे हैं उनको एंटरटेन भी करें, और जीत के साथ पाकिस्तानी जितने पाकिस्तानी हैं पूरी थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको जो खुशी दें इस टफ टाइम के अंदर। दूसरा, आपने पहला सवाल क्या किया था? सॉरी, मेरे ज़हन से निकल गया। कोविड-19 जो है उस दौर में क्रिकेट बगैर ऑडियंस के है, तो हाँ, कितनी मुश्किल हो? नहीं, बिल्कुल चैलेंज जरूर है, डिफरेंट चैलेंजेस इसमें दरपेश होंगे, लेकिन इसी तरह अब क्रिकेट ने आगे बढ़ना है कुछ अरसे के लिए स्पेशली, तो हमें उसके लिए रेडी होना है। वी ऑल रेडी फॉर इट। और दूसरी बात क्राउड की जहाँ तक रहेगी, हम 10 साल हमने अपनी होम सीरीज दुबई में टेस्ट सीरीज खेली है, तो वहाँ पे आपने देखा ग्राउंड खाली होते थे, तो हम यूज टू हैं, और इवन कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपेयर टू इंग्लैंड बिल्कुल खाली में क्राउड होता है, बहुत कोई क्राउड नहीं होता हमारा। हम रिसेंटली अभी कुछ क्राउड आना शुरू हुआ है, लेकिन वो भी कंपेयर टू इंग्लैंड इतना नहीं है, तो हमें तो आदत है विदाउट क्राउड खेलने की। इसका ये है, कह सकते हैं कि हमें एक एडवांटेज है कि हम यूज टू हैं इस चीज़ के। जी, नेक्स्ट है उमर, अशरफ चौधरी, शहजाद मलिक। अदर पिछले तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा से डिस्कशन हो रही है, डोमिनेट कर रही है ये कोविड-19 की सिचुएशन, और प्लेयर की टेस्टिंग का प्रोसेस ज़ाहिर है पहली दफ़ा हो रहा है, अनप्रेसिडेंट है। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये पिछले 1 डेढ़ महीने से आप एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहा है? बिकॉज दिस हैज़ बीन कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं, देखें, एज ए प्रोफेशनल प्लेयर और एज ए क्रिकेटर अपने आप को फिट रखना बहुत एक चैलेंजिंग था इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपने जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना है, अपनी ट्रेनिंग भी करनी है। हम जिस तरह काफ़ी प्लेयर्स ने अपने घरों में जिम बनाया और वहाँ पे ट्रेनिंग की, लेकिन स्टिल रनिंग नहीं कर सकते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जगह ढूंढी जहाँ पे जाके हम रनिंग कर सके, थोड़ी ट्रेनिंग कर सके, तो वो किया। तो काफ़ी चैलेंजेस रहे, लेकिन अभी जब सब इकट्ठे हुए हैं, तो जब सबको देखा है, तो बहुत खुशी की बात ये है कि सब लोग एक अच्छी शेप में हैं, फिट हैं। अब बाकी रहेगी प्रेपरेशन की बात, तो जारी बात है जब आप इंग्लैंड जाएंगे और हमारे पास मौका होगा, और स्पेशली जो बैटिंग करने के चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। हम जैसे बैट्समैन था या बॉलर था, उन्होंने अपनी अपनी स्किल को प्रैक्टिस करना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो फिर जिस तरह जिसको बेहतरीन ऑप्शन मिली, कोशिश मेरी भी यही थी कि सेफ भी रहा जाए और थोड़ा इन टच भी रहा जाए, ताकि हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टच ना हो जाएं। तो यही कोशिश रही। कुछ दिन जो है वो प्रैक्टिस जहाँ मौका मिला वो किया, भाई के साथ की, या यू नो 1-to-1 की, वट एवर वे, हम जहाँ जगह मिली, जिस जगह भी हमें ऑप्शन मिली कि यार हम सेफ तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो की। लेकिन ऑब्वियसली चैलेंजिंग रहा, लेकिन अब ये है कि हमारे पास 1 महीना आगे है, तो हमारी कोशिश पूरी होगी कि, क्योंकि हमने एक चीज़ कही की थी, हमारा ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, तो उसमें हमने यही कहा था कि हमने अपने आप को फिजिकली कम से कम फिट रखना है, ताकि जब हम हम क्रिकेट दोबारा रीगेन हो तो हमारा सिर्फ स्किल पे काम हो। तो अब जिस तरह लग रहा है इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी फिटनेस लेवल जो है वो इंशाल्लाह अच्छे होंगे। अब हम स्किल्स के ऊपर, बैट्समैन अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, फास्ट बॉलर्स अपनी स्किल के अलावा वर्कलोड पे काम करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि एक महीना हमारे लिए सफिशिएंट टाइम होगा। अब सॉरी, मेरा पॉइंट ये था कि प्लेयर को इंग्लैंड जाने के लिए टेस्टिंग का प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, जो कि एक अनयूजुअल सी चीज़ है, तो ये आप लोगों के लिए सबके लिए वरी नहीं थी? नहीं देखें, क्योंकि पहले तो इतना कोई वरी वाला बात नहीं थी, क्योंकि किसी को, अब जैसे मैं बैठा हूँ, बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है और किसी के ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह भी पॉजिटिव आएंगे। कुछ लड़कों के आए, काफ़ी लड़कों के जो बिल्कुल ही, जिनको फील भी नहीं हो रहा था कुछ भी। तो उसके बाद सारे ऑब्वियसली इस चीज़ में वरी थे कि हमने काफ़ी अर्सा गुजारा है क्रिकेट से बाहर, तो अब क्रिकेट वापस स्टार्ट होने जा रही है, तो एन वक्त पे आके कोई इस तरह हो जाता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब इस तरह चीज़ होनी होती है तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑल वी कैन डू व्हाट वी कैन कंट्रोल। और जो टेस्टिंग प्रोसेस था वो हमें ऑब्वियसली पता था कि जाने से पहले जब भी जाएंगे तो कम से कम 2 टेस्ट तो होंगे, और वो हुए हैं हमारे। तो उसके लिए मेंटली हम टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर थे। ऑब्वियसली जब आपको भी पता है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे जिनका पॉजिटिव आया, जिनको सिम्टम्स भी नहीं थे, तो उससे थोड़ा सा ऑब्वियसली सबको वरीड हुए। शुक्रिया जी शहजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम अजहर, चौधरी अशरफ बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम अजहर, जो लास्ट हमारी सीरीज थी इंग्लैंड की, उसमें हमारे जो हेड कोच थे वो मिकी आर्थर थे, तो उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और लंबे अरसे थे पाकिस्तान टीम को लेके चल भी रहे थे। अब पाकिस्तान टीम में जो कोचिंग है वो लोकल ज्यादा कोचिंग है, वकार है, वसीम अपना मिसबाह-उल-हक है, यूनिस खान है, तो लोकल ये पाकिस्तानी कोचेस जो तजर्बाकार ये प्लेयर्स भी रहे हैं अपने दौर के, तो कैसा रहेगा? मिकी आर्थर की कमी महसूस होगी या इनके साथ एक नया एक्सपीरियंस करने जाएंगे? देखिए, एक्सपीरियंस का अगर जहाँ तक देखा जाए तो इससे ज्यादा एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं ख्याल किसी को भी होगा, क्योंकि मिसबा भाई ने 7 साल कप्तानी की है, यूनिस भाई ने इतने काफ़ी कप्तानी भी की है, फिर इतना अर्सा खेले हैं, अराउंड द वर्ल्ड खेले हैं, तो जो इन दोनों का एक्सपीरियंस या मुशी भाई या वकार भाई का एक्सपीरियंस है वो तो किसी भी फॉरनर कोच से ज़्यादा है मेरे ख्याल में, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग नॉलेज और इवन कंडीशन के नॉलेज के हिसाब से भी। काउंटी क्रिकेट भी खेली हुई है, मैंने भी खेली हुई है, यूनिस भाई ने खेली है, मुशी भाई ने बहुत ज़्यादा खेली है, तो इंग्लैंड का एक्सपीरियंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, शायद कमी किसी के पास ऐसी टूरिंग मैनेजमेंट के पास हो जो हमारी टीम के पास है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है, हम सब प्लेयर्स को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और होपफुली ये हमारी फेवर में जाएगा इंशाल्लाह, और परफॉर्मेंस में इसके नज़र आएगा हमें। जी शहजाद भाई। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, मैं कहूँगा नेक्स्ट है वहीद खान, अंस और अब्बास रजा। अस्सलाम वालेकुम अजहर, मेरा सवाल ये था अजहर कि ये सीरीज अनप्रेसिडेंटेड इन द सेंस कि आप लोग टेस्ट मैचेस फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ कोई क्राउड नहीं हुआ, एम्प्टी स्टेडियम में आप खेलेंगे। आपको क्या लगता है कितना ये एडवांटेज है इस एनवायरनमेंट में खेलना बैट्समैनों के लिए और कितना डिसएडवांटेज है ये बॉलर्स के लिए? क्योंकि आईसीसी ने जो ये कोविड-19 के लिए जो एसओपीज इशू की है उसमें बॉलर्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो टूकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं बॉल को शाइन वगैरह करने के लिए। तो आपको क्या लगता है क्या ये बैट्समैन के फेवर में ये चीजें जाएंगी जब आप लोग अभी ये टेस्ट सीरीज खेलेंगे? देखिए, हो सकता है, लेकिन आई एम श्योर के पसीना स्टिल आप लगा सकते हैं बॉल पे, और जिस तरह वेदर चल रहा है और आप में फास्ट बॉलर्स को तो पसीना आ जाता है, किसी के कौन सा भी वेदर हो, वो अगर 2 से 3 ओवर या 4 ओवर कराता है उनको पसीना आना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक स्टिल वी विल बी एबल टू शाइन द बॉल इन दीज रेगुलेशन आल्सो। फिर इसमें ये है कि शायद ये बॉल रिवर्स जल्दी हो जाए, अभी हमें ये चीज़ सारी हमने क्योंकि खेला नहीं है इसके अंदर, और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज भी होने जा रही है, वो भी हमारे सामने होगी, किस तरीके से चल रही है चीज़ें, किस तरह बॉल शाइन हो रही है, किस टाइम पे स्विंग हो रहा है बॉल, ये सारा कुछ हमें आइडिया भी होगा, और खुद हम प्रैक्टिस करके भी और प्रैक्टिस मैचेस खेल के भी हमें आइडिया होगा। तो आई थिंक बहुत जल्द है ये फाइनल कंक्लूजन में पहुंचना कि बैटिंग फ्रेंडली हो जाएगा या नहीं होगा। आई थिंक इसको जब तक हम करेंगे नहीं ग्राउंड के अंदर, तब तक हमें आइडिया से 100% नहीं हो सकता। लुकिंग एट कि मुझे जो लगता है वहाँ पे स्टिल बैटिंग ऑलवेज चैलेंज रही है, क्योंकि वहाँ सीम मूवमेंट तो रहता ही है, बॉल की ड्यूक बॉल की सीम जो है वो स्टिल प्रोमिनेंट होती है, नया बॉल तो तंग करेगा। तो उतनी देर तक मुझे लगता है कि बॉलर्स को पसीना आ जाएगा, प्लेयर्स को पसीना आ जाएगा, तो फिर उसको वो मैनेज कर सकते हैं शाइन को भी। और वो ये बॉल शाइन भी बहुत अच्छा होता है, जब आप एक दफ़ा उसको शाइन स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ये काफ़ी देर तक शाइन रहता है, क्योंकि इंग्लैंड में बारिश काफ़ी होती है तो ये बॉल के ऊपर वैक्स लगता है, कोटिंग होती है वैक्स की, जिससे ये बॉल गीला जल्दी नहीं होता, तो उस वजह से बॉल शाइन बहुत अच्छे होता है और बड़ी देर तक शाइन होता रहता है। क्राउड के मुताबिक उन्होंने पूछा है कि आप कितना मिस करेंगे क्राउड को। क्राउड को मैंने जैसे पहले कहा, ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी सपोर्ट इंग्लैंड में रही है हमारी हमेशा से, उसको जरूर मिस करेंगे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट वापस नहीं आई थी तो अगर जो सबसे ज्यादा क्राउड आता था पाकिस्तान के लिए तो वो इंग्लैंड में होता था, और इंग्लैंड वाहिद जगह लगती थी कि जैसे हम होम मैच खेल रहे हैं। वो हम मिस जरूर करेंगे, लेकिन ये है कि जहाँ तक रहेगी एम्प्टी स्टेडियम्स में मैच खेलने की, तो वो हमसे ज्यादा प्रैक्टिस किसी को नहीं है। अजहर भाई बताइएगा कि जिस तरह एक टेस्ट नेगेटिव आ जाता है फिर पॉजिटिव आ जाता है, और वहाँ पहुँच के भी जो है वो आपने टेस्टिंग करवानी है, तो होटल में क्या डिस्कशन चल रही है प्लेयर्स के साथ, और एज अ कैप्टन आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि प्लेयर जो है वो ज्यादा फोकस गेम पे करें ना कि कोविड टेस्टिंग पे, और उनका मोमेंटम और जो मोराल है वो बुलंद रहे? देखिए ये तो पार्ट एंड पार्सल है, अब क्रिकेटर के लिए हम यूज्ड टू होंगे इससे इंशाल्लाह जल्द से जल्द, और ऑब्वियसली ये फर्स्ट कपल ऑफ टेस्ट से, और ऑब्वियसली सब लोग अब जब आप इस एनवायरनमेंट में चले जाएंगे बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में तो इस टोटली डिफरेंट हो जाएगा। अभी तक हम अपने घरों में थे, उसके बाद अब 4 से 5 दिन अब यहाँ आए हैं, तो वी स्टार्टेड टू फील मोर सिक्योर अल्हम्दुलिल्लाह, और सब लड़के अब कॉन्फिडेंट हैं, अल्लाह का शुक्र है, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द टूर। तो ये बाकी चीज़ मेडिकल साइड है, ये आई थिंक वो बेहतर आंसर कर सकते हैं कि किस तरीके टेस्टिंग। हम तो इस प्लेज इस सब प्रोसेस से खुश हैं। ऑब्वियसली जो आपकी ऑब्वियसली होती हैं फैसिलिटीज़ होती हैं उसको बेस्ट यूटिलाइज किया गया है यहाँ पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि टूर जो है वो स्मूथली जाएगा इंशाल्लाह। जी अब्बास, बस आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं नेक्स्ट आपके बाबा के साथ तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। जी यूसुफ भाई, इजाज, अहमद रजा और अबू बकर, प्लीज आवाज रजा भाई। जी आवाज प्लीज। जी आवाज प्लीज, क्वेश्चन करें अपना। हेलो, करूं सवाल रजा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें। अच्छा रजा, अजहर भाई सवाल ये था कि आपकी ना कुछ जाती परफॉर्मेंस पिछली सीरीज में ज्यादा अच्छी नहीं रही, तो जरा इंग्लैंड में क्यादत का भी बोझ है आप पर, तो वो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो उसका फील नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि इंग्लैंड में आपकी कारकर्दगी तो अच्छी रही है, तो इस बार कोई खुसूसी प्लान है आपका वहाँ? नहीं बिल्कुल, मैं अपनी जो रिसेंट पास में 1-1.5 साल से, हाँ लास्ट 1-2 सीरीज में मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, और 1 सेंचुरी भी की उसमें, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बहाल हुआ, लेकिन फिर ब्रेक आया है। कोशिश ये करूँगा कि जो जिस कंसिस्टेंसी से पहले मैं परफॉर्मेंस कर रहा था तो वो करूं, जो 1.5 साल है उसको भूल जाऊं। अब आगे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बैटिंग को सेपरेटली और ऑब्वियसली कप्तानी के जो जिम्मेदारियां हैं उसको सेपरेटली लेके चलूं, और कोशिश करूं कि अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंसेस से इंस्पायर करूं टीम को भी, और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दूं, और एज ए कैप्टन लीड करूँ फ्रंट से। यूसुफ भाई, इजाज बाकरी, अहमद रजा और अबू बकर। अजहर, इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर, स्टीवर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन जैसे तजर्बाकार और तेज़ बॉलर मौजूद है। इसके मुकाबले में जो हमारी बॉलिंग पेस है वो इतनी ज़्यादा तजर्बाकार भी नहीं है, और उसमें अगर देखा जाए तो बॉलिंग के लिहाज से उतना ज़्यादा उनके पास वेरिएशन भी उनके मुकाबले में नहीं है। अगर हम बैटिंग की बात करें तो उनकी जो बैटिंग लाइन है इंग्लैंड की वो हमसे ज़्यादा बेहतर है उसके बनिस्बत हमारे में, और दूसरा जो उन्हें एडवांटेज होगा वो ये होगा कि इंग्लैंड के वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचेस से उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो फिटनेस है और वो जहनी तौर पर बे परफॉर्मेंस के लिए खासे मजबूत हो चुके होंगे। हमारे लिए इस सीरीज में प्लस क्या होगा और माइनस हमारे लिए इस चीज में आप क्या देखते हैं? देखें, जो बॉलिंग अटैक उनका है बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है, नो डाउट, और स्पेशली अपनी कंडीशन में वो बहुत ज़बरदस्त अटैक है। और लेकिन आप देखें जाफरा आर्चर को निकाल के तमाम यही बॉलर्स बॉलिंग अटैक है जिसको हमने खेलते हुए हमने मैचेस टेस्ट मैचेस जीते हैं। वहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड भी था, एंडरसन भी था, वोक्स भी था, स्टोक्स भी, और इवन मार्क वुड भी था। तो उनके होते हुए भी टेस्ट मैचेस जीते हैं। हाँ, उनकी अगर बैटिंग देखी जाए तो बैटिंग उनकी रिसेंटली ही अभी थोड़ा अब टॉप ऑर्डर उनका रहा है फ्रेजाइल काफ़ी अरसे से, जब से एलेस्टर कुक जो है वो रिटायर हुआ है, तो वो कम्बिनेशन काफ़ी सारे ट्राई किए उन्होंने, तो उनका टॉप ऑर्डर अभी तक शायद अब कुछ सेटल होना शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले इतना कॉन्फिडेंट वो भी नहीं थे अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर। तो उनकी टेस्ट टीम अभी आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रही है। तो आई थिंक स्टिल और अपनी उसमें देखा जाए तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमारे फास्ट बॉलर्स ने इम्प्रूव किया है, शाहीन ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, वो किसी भी दुनिया में अगर आप किसी भी टीम में देखें तो वो उस तरह मतलब दे विल लुक अप टू हिम। और इसके अलावा नसीम शाह है, बेहतरीन पेस से बॉल करता है, हमारी पेस बैटरी में वो शामिल है, उसके बाद अब्बास का एक्सपीरियंस शामिल है, उसके अलावा यंगस्टर्स हैं, हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं। लेकिन ये तीन जो मैंने नाम गिनाए ये बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और ये किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और बैटिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके से हमारे रिसेंट दो सीरीज़ में खेले हैं, ऑब्वियसली आप होम सीरीज से कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, तो काफ़ी प्लेयर्स ने सेंचुरीज बनाई हुई हैं, तो इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे कंटिन्यू रखें, उस कॉन्फिडेंस को यूज़ करें इंग्लिश कंडीशन में। Once you put on 300 plus there, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम टेस्ट मैचेस जीतेंगे वहाँ पे। जी इजाज़, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आई थी, जहाँ पर हमें एक ट्रिपल सेंचुरी भी पाकिस्तान को कंसीड करना पड़ी, लेकिन फिर रावलपिंडी और कराची में जो आप लोगों ने अब तक 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं तो आप 2 जीत चुके हैं। सो ये बात सच है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन हमारे लिए बहुत टफ थी, यूएई या पाकिस्तान की कंडीशन इजी होती हैं। सो पाकिस्तानी टीम जहां ऑस्ट्रेलिया का टूर छोड़ा था, क्या उन जख्मों को याद करके खेलेगी या जो पिंडी और कराची में जो विक्ट्रीज हैं इसके कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेगी? जी बिल्कुल, हम अपने जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं उसको याद रखेंगे, जो हम जीते हैं उससे कॉन्फिडेंस लेंगे, और जो इंग्लिश कंडीशंस में हमारी नेचुरली जो पास में जितनी परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे कहीं से भी उठा के देख लें, हमेशा हम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि वंस आप बैकफुट पे चले जाएं इंग्लैंड में कमबैक करना मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि हमने चाहे टेस्ट मैच पहले हमारी बुरी परफॉर्मेंस भी हुई है, नेक्स्ट टेस्ट में हमने उसको रिकवर किया है। आप 2016 की सीरीज देख लें, पहला जीते, दूसरा हारे, दूसरा दूसरे ऑस्ट्रेलिया टूर के टफ एक्सपीरियंस का कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया टूर के जो टफ मैंने बोल दिया उसको नहीं, हम अपना अगले जो 3 टेस्ट मैचेस है उससे कॉन्फिडेंस लेके और इंग्लैंड के पास जो परफॉर्मेंस रही है उसको याद रखते हुए इस टूर पे जाएंगे। ओके जी, अहमद रजा एंड देन अबू बकर। जी अहमद, आप क्वेश्चन करें प्लीज। आई थिंक अहमद के माइक के साथ कोई इशू है। अबू बकर प्लीज। अजहर, मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप एज अ ओपनर आपकी बहुत ज्यादा कामयाबियां हैं, बहुत अरसा आपने पाकिस्तान टीम को एज अ ओपनर फ्रंट से लीड किया, तो अब एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ओपनिंग ही आपके लिए बेहतर है या बतौर कप्तान अपना बैटिंग ऑर्डर के हवाले से अब मिडिल ऑर्डर के अंदर ही मुतमिन है? देखिए, नंबर 3 पे मैंने मोस्ट ऑफ द कैरियर अपना नंबर 3 पे खेला है और जहाँ टीम को जरूरत हुई है वहाँ ओपन की है। तो अभी जो है रिसेंटली जो हमारे मैचेस हुए उसमें नंबर 3 पे खेल रहा हूँ, जिधर मैं मोस्ट ऑफ माई कैरियर खेला हूँ। और जहाँ तक रह गई बात कि जब टीम को जरूरत पड़ेगी तो वो चाहे ओपन हो, नंबर 3 हो, मुझे मैं हमेशा उस नंबर पे खेला हूँ जहाँ पे मुझे मेरी टीम को जरूरत है। तो एज फार एज नाउ आई थिंक आई एम सेटल्ड एट नंबर 3 इंशाल्लाह, और हमारी इस तरह की परफॉर्मेंसेज रही तो इंशाल्लाह एक सेटल बैटिंग ऑर्डर की तरफ जाएंगे हम। जी नेक्स्ट हाफिज शहबाज। अस्सलामुअलैकुम सर। सर अगर हम देखें बॉलिंग का, जैसे पहले यूसुफ भाई ने भी बात की, कंपैरेटिवली हमारी बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, और दूसरा हमारा हम देखते हैं जैसे नसीम है या बाकी फास्ट बॉलर हमारा हमेशा हथियार रहा है रिवर्स स्विंग, लेकिन जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं उनमें शायद बाहर इस तरह लग रहा है कि रिवर्स स्विंग इतना करना मुश्किल होगा क्योंकि शाइन ज़्यादा चाहिए होगा। तो अब क्या मजीद कोई बात हुई है बॉलर्स की वकार भाई के साथ कि किस तरीके से इस चीज़ को हम मैनेज करेंगे? लाजिम बात है कि टफ कंडीशन होगी, और किस तरह जो बॉलिंग में इनएक्सपीरियंस है इसको किस तरह आप लोग टेकल करेंगे बैटिंग के साथ? इनएक्सपीरियंस के से इन टर्म्स ऑफ मैचेस देखा जाए तो बहुत जारी बात है डिफरेंस है। इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारे बॉलर्स के हिसाब से, लेकिन स्किल्स कहीं से भी कम नहीं है और एक्सपीरियंस कहीं से भी बाय नहीं किया जा सकता। यू हैव टू प्ले एंड गेट द एक्सपीरियंस। तो कोशिश करेंगे जो हमारा एक्सपीरियंस डगा, जो हमारे टीम मैनेजमेंट है जिसमें वकार भाई और मिशी भाई स्पेशली बॉलिंग साइड पे हैं, उनको यूटिलाइज करें और वो उनको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है जब स्किल्स और एक्सपीरियंस साथ मिलेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करेगा। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और बैटिंग के लिहाज से भी इसी तरह ही है कि बहुत बड़े बड़े नाम हमारे गुजरे हैं जो पीछे पास में इंग्लैंड में परफॉर्म किया हुआ है, और हमारे जो इस टीम में भी प्लेयर्स हैं वो बड़े ईगर हैं इंग्लैंड में परफॉर्म करने के लिए, और उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Xtra Time.